सो हेलो गाइस, दिस इज कपिल गोले। सो आज मैं वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आर्म स्ट्रेन कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो करना है ही, डेली प्रोग्रेस करो, पर चाहे छोटी हो या बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, पर करो। तो आज सैटरडे है और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट करूँगा। बेसिकली आज लेग्स ट्रेन करने वाला था, पर टाइम शेड्यूलिंग ना होने की वजह से ना तो वो लेग्स कर पाए ना मैं लेग्स कर पाया। एक्चुअली हम दोनों मीट ही नहीं कर पाए थे, इस वजह से फिर हम आज आर्म्स करके गए अलग अलग टाइम पे। वो ऑलरेडी करके जा चुका है और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ और मैंने स्टार्ट किया अभी आर्म्स स्ट्रेट करना। मैंने अभी हाल ही में सिर्फ वार्म अप ही किया है और वार्म अप करने के बाद मैं अब मेन सेट्स की तरफ जाऊँगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे और कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करता हूँ अपने बाइसेप्स के लिए और ट्राइसेप्स के लिए। तो जैसा कि आप देख ही होंगे अभी ये कंडीशन है मेरे बाइसेप और ट्राइसेप्स की। और साथ ही साथ आज सैटरडे है तो मेरे को बहुत सारे काम भी होते हैं और मेरे को अपने दोस्तों के पास भी जाना है और भी कुछ घर के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत दिन से कह रहे हैं कि यार तू मिला नहीं है बहुत दिनों से, तो आज मिल ले प्लीज़। तो दो दोस्तों के घर भी जाऊँगा मैं आज, जिसका नाम है ऋतिक और एक है प्रियांशु। तो इन दोनों के घर भी जाना है मुझे आज और साथ ही साथ मैं दिखाऊँगा उनकी हरकतें कैसे वो हरकतें करते हैं। सीरियसली मैं दोनों ही बहुत फैन, एक जिसके पास नॉलेज अनलिमिटेड है और एक जो मस्ती इतनी करता है कि बस पूछो मत, रुकने से भी नहीं रुकता। तो दिखाते हैं, तो अब मिलते हैं आपको। थैंक यू। के साथ अपने दोस्त, ये फिलहाल बाइक चला रहा है। ओए धीरे चला, हवा की आवाज आएगी, मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। कोई बात नहीं, ये बिगिनर है ना अभी, कोई बात नहीं, मैं इसे बाइक चलाना सिखा दूंगा, बस आपका साथ चाहिए मुझे। हाँ देखो आप कितने अच्छे से बाइक चला रहा है। हाँ ये मेरा स्टूडेंट, एक दिन जरूर कामयाब होगा, बस इसको मेरे रास्तों पे चलना है। कोई बात नहीं, सिखा देंगे इसको भी बाइक चलाना। तो फिलहाल आप इसकी शक्ल देख रहे थे बुंडी सी, देखिए ऐसा लग रहा है फोटो पे जैसे लिपस्टिक लगा रखी हो। कोई बात नहीं, जिम करो या फिर जिम कुछ भी कर रही हो।
या फिर जो पब्लिक रिएक्शन हिटिंग इन यू पीआर मतलब फैन में ब्रो हिट पीआर है तो पब्लिक रिएक्शन आ रहे हैं सब थंबनेल तक दस लोग क्लिक करें थंबनेल ऐसा जो अट्रैक्टिव हो और ये देखिए हम आ चुके हैं हमारे दोस्त के घर विजयन के घर वो भाई बाइक में छोड़ दियो भाई बाइक में छोड़ दियो बंद कर ये है मेरा दोस्त रॉबिन हाय गाइस और वो एक और ये आज मेरे घर आए स्पेशली मेरा व्लॉग देखने और ये भाई मेरा बहुत बड़ा फैन है ये कह रहा था कि भाई मैं आपको 10 रुपए देना चाहता हूँ मैं आपके व्लॉग्स को देख के बहुत ज्यादा आपके लिए 100 रुपीज 200 रुपीज की पेमेंट दे दो पहले विजयन भाई आपके सामने भाई विजयन आपके सामने इस फैन ने हमको 200 रुपए दिए इस फैन तो भाई अगर इस बंदे ने भाई ये 200 रुपए वापस ले लिए तो अगले ब्लॉग में मैं जरूर शेयर करूंगा ठीक है भाई तो भाई आपने जैसा कि आपने देखा इसकी शक्ल कितनी रखी ये भाई देखो इस भाई को आ ही नहीं रहा पीछे चलाना ही नहीं आ रहा भाई बीटेक लेके गलती कर दी आपने अब भी टाइम छोड़ दो बी कर सकते हो आप तो भाई हम विजय को घर छोड़ने जा रहे हैं ये चूतिया इसके बाद रख रखा है विजय भगा रहा है स्कूटी पर ओ भाई धीरे चला जा रहे तू ऐसी वेरीफाइड नहीं इसका जो ऑटो खींच लिया भाई यार फंस गया वैसे इस लौंडे का वैसे इस लौंडे का जो लाइसेंस बना था इसके बाबा की जुगाड़ से बना था इसके बाबा खत्री आपको किसी दिन इसके बाबा से मिलवाएंगे आप पूरा एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे इसके बाबा के ऊपर सीरियसली गाइस वो बहुत अच्छे आदमी है कोई इनकी बेइज्जती नहीं करेगा रिस्पेक्ट है उनको ये भाई खुद उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है टोपे टोपे तो यार एक दोस्त तो हमारा चला गया साथी अब सिर्फ हम दोनों रह गए हैं ये देख रहे होंगे आप तो वो चला गया अब हमारा यहाँ फायदा होगा अब हम यहाँ करेंगे बिजनेस की बात ब्रो मेरे पे 30 रुपए है अच्छा तो चलेगा ही नहीं नहीं तो जैसा कि आपने देखा इस दो भाई ने तो मना कर दिया अब मेरे 30 रुपए पूरे सेव हो गए हैं गोलगप्पे खाएंगे ना अरे चलो भाई गोलगप्पे मिलते हैं वाले गोलगप्पे खिला और भाई ये हम आ चुके हैं गोलगप्पे वाले के पास तो हेलो गाइस और ये हमारा गोलगप्पे वाला प्लान कैंसिल हो गया है तो हम बर्गर खाने आए हैं तो अब मैं आपको बर्गर दिखाऊंगा कैसे हैं तो देख रहे हो गाइस जैसे कि ये बर्गर के अंदर जो टिक्की डलती है वो तो डल चुकी है फ्राई होने के लिए और ये भाई अब ब्रेड डाले भाई स्पेशल बर्गर ये स्पेशल बर्गर है फॉर व्लॉगर्स वैसे सेक्टर 2 के सबसे बेस्ट बर्गर यहीं पे मिलते हैं हम काफ़ी टाइम से यहीं पे आ रहे हैं ओयो के जस्ट सामने होटल जनंत और उसके जस्ट पीछे ये सेक्टर 2 का पार्क है जिसे हम हुड्डा पार्क के नाम से भी जानते हैं अटल पार्क दिख ही रहा होगा आपको तो ये पानी पड़ गया भाई कलाकारी देखें भाई इस भाई की कितनी सफाई से इसने ये बर्गर बना डाले पता भी रहने देना एक में डाल देना भैया एक में रहने दो और ये ऑलमोस्ट हमारे बर्गर तैयार हैं और ये देखो ये हफ्सी खाने के लिए इनको तरस रहा है तो फाइनली हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं और ये हमें इंतज़ार नहीं हो रहा है वैसे भी आज संडे है तो आज के दिन हम चीट मील काफ़ी करते हैं अरे
और ये देखो ये काले भाई खाले यार, इंतजार किसका कर रहा है। हम यहाँ आ चुके हैं ये गोलगप्पे खाने। यहाँ के गोलगप्पे काफी टेस्टी हैं वैसे तो, आज खा के पता चलेगी। चाबी दे दो।